जय हिंद दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल ऑन एमजे शिक्षा। आपको जो भी यहाँ से नया सीखने को मिले, आप उसके नोट्स अपने प्रिपेयर करिएगा रिवीजन के लिए। अदरवाइज दोस्त, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसके नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो नेक्स्ट दोस्त अपने पास अब क्या आता है, डिजीज मतलब बीमारी। अब दोस्त यहाँ से जो है ये चैप्टर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है ना, तो यहाँ से आप अच्छे से जो है कंसंट्रेट करिएगा। तो देखिए, डिजीज कैन बी डिफाइंड एज एन इम्पेयरमेंट और माल फंक्शनिंग इन द नॉर्मल स्टेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब डिजीज दोस्त क्या है, बीमारी हमारी क्या है, हमारी जो नॉर्मल स्टेट है ना, हमारी जो हेल्थी वाली कंडीशन है, उसके बीच में दोस्त ये डिजीजेस क्या है, रुकावट है हमारे लिए, है ना। जैसे हमारी अगर कोई एक हेल्थी स्टेज है, हेल्थी लाइफ की स्टेज है, तो अगर ये हमारी हेल्थी लाइफ की जो स्टेज है ये बिगड़ जाए और ये क्या है, बुरी तरह से प्रभावित हो जाए किसी चीज से, तो इसे ही दोस्त हम क्या कहते हैं, डिजीज, है ना। जब हम अपने आप को क्या कहेंगे कि हम जो है वो डिजीज हुए हैं ना। दैट डिस्ट्रक्ट और मॉडिफाई द परफॉर्मेंस ऑफ वाइटल फंक्शन। जैसे हम मान लीजिए कोई नॉर्मल फंक्शन अपने परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे अभी खाना पीना खा रहे हैं, अच्छे से वो डाइजेस्ट हो रहा है, एसिमिलेट हो रहा है ना, अब वहीं जो है हमारा कोई एक फंक्शन डिस्टर्ब हो जाए, है ना। अब ऐसा हो कि हम किसी ऑर्गेनिज्म से जो है वो इंटरेक्ट कर जाए और हमारी जो फंक्शनिंग है नॉर्मल वो डिस्टर्ब हो जाए, तो दोस्त हम क्या कहेंगे कि हम जो है वो डिजीज हो गए, है ना। क्या कहेंगे, डिजीज। हम अपने आप को जब क्या रेफर करेंगे, तो डिजीज, हेल्थी रेफर नहीं कर सकते। तो समझ में आया ना दोस्त आपको, डिजीज क्या है, बेसिकली इम्पेयरमेंट है या फिर माल फंक्शनिंग है। हमारी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसमें कोई डिस्टर्बेंस है, डिजीज है ना। दीज आर आल्सो डिफाइंड एज माल एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन विद देयर एनवायरमेंट। डिजीजेस क्या है दोस्त, बेसिकली बैड या फिर फॉल्स एडजस्टमेंट है ये हमारा एनवायरमेंट के साथ। जब हम अपने एनवायरमेंट के साथ जो है वो सही से एडजस्ट नहीं कर पाते, तो दोस्त एंड प्रोडक्ट के तौर पर, बाय प्रोडक्ट के तौर पर किसकी इमरजेंस होती है दोस्त, डिजीजेस की, है ना। डिजीजेस की इमरजेंस होती है जब हमारा जो है हमारे एनवायरमेंट के साथ सही से एडजस्टमेंट नहीं होता। तो दोस्त इसीलिए हम क्या कहते हैं, डिजीजेस आर माल एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन विद देयर एनवायरमेंट और नेचर। अब दोस्त एक चीज और यहाँ पे जो सिंपल सी है वो आप अलग से समझ लीजिए कि दोस्त ये जो डिजीज होती है ना, ये बेसिकली ये इंटरेक्शन होती है किसका, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट ह्यूमंस, है ना, एनवायरमेंट ह्यूमंस और पैथोजेंस, एनवायरमेंट ह्यूमंस और पैथोजेंस का ये क्या है, ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है, ये इंटरेक्शन है एनवायरमेंट ह्यूमंस और पैथोजन का। ये क्या होती है दोस्त, डिजीज होते हैं। डिजीज बेसिकली एक कॉम्बिनेशन होता है जो किसके कंबाइन होने से बनता है, एनवायरमेंट पैथोजन और ह्यूमंस के, है ना। जब ह्यूमंस पैथोजन के साथ एनवायरमेंट में इंटरेक्ट करते हैं, तो दोस्त जो बाई प्रोडक्ट बन जाता है दोस्त, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम डिजीज कहते हैं, ठीक है दोस्त, उसे ही हम क्या कहते हैं, डिजीज कहते हैं। ये आप याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ये ट्राई डायग्राम होता है डिजीज के लिए जो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। पैथोजेंस बेसिकली दोस्त क्या होते हैं, ये डिजीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं जो हमारे अंदर या फिर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है उनके अंदर डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन्हें हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्त अब अपने पास जो टॉपिक आता है वो क्या है, कॉज और सोर्स ऑफ डिजीज। ये डिजीज जो होती हैं ये क्यों होती हैं, इनके कॉज क्या हैं, और इनकी जो सोर्सेज हैं, है ना, जहाँ से ये निकलती हैं वो सोर्स क्या है। तो देखिए दोस्त, दिस मेनली इंक्लूड्स टू फैक्टर, इंटरनल या फिर इंट्रिंसिक, एक्सटर्नल या फिर एक्सटेंसिव। अब डिजीज के पीछे दोस्त क्या है, दो रीजंस है ना, इंटरनल या फिर जो अंदरूनी है, एक्सटर्नल या फिर जो बाहरूनी फैक्टर्स हैं, है ना। तो इंटरनल और ये एक्सटर्नल बेसिकली किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं दोस्त, ये हमारी बॉडी के रेफरेंस में बात कर रहे हैं ना। अगर कोई फैक्टर हमारी बॉडी के अंदर पाए जा रहे हैं तो वो इंटरनल में आते हैं, और हमारी बॉडी से बाहर मतलब एनवायरमेंट में पाए जा रहे हैं तो वो एक्सटर्नल या फिर एक्सट्रिंसिक में आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप इंटरनल फैक्टर्स या फिर जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं इन्हें समझिए, है ना। तो देखिए, इंटरनल फैक्टर्स के अंदर क्या क्या आते हैं जो कि डिजीज को कॉज करते हैं, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ वेरियस बॉडी ऑर्गेन्स एंड बॉडी इम्यून सिस्टम। जब हमारी बॉडी के किसी ऑर्गेन की जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाए, या फिर हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है ना, इम्यून सिस्टम है, उसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाए, तो ये भी दोस्त किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डिजीज के लिए। इसके अलावा और
इंट्रिंसिक फैक्टर्स कौन से हैं दोस्त? जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर। अब कोई ऑर्गेनिज्म, कोई इंडिविजुअल अपने पेरेंट्स से रिसीव करता है तो दोस्त वो क्या हो जाता है, उसका जेनेटिक फैक्टर हो जाता है। जो दोस्त इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उस इंडिविजुअल में, उस पार्टिकुलर डिजीज के लिए। जैसे जेनेटिक डिजीज होती है ना, एड्स वगैरह, एचआईवी वगैरह, कभी कभी वायरस जो है वो डायरेक्टली पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाते हैं, तो वहां पे दोस्त कौन सा फैक्टर हो गया, वो इंट्रिंसिक फैक्टर हो गया, है ना। इसके अलावा दोस्त क्या होता है, हॉर्मोनल इम्बेलेंसेस, है ना। अगर हमारी बॉडी के जो हॉर्मोन्स हैं उनके अमाउंट में अगर कभी चेंजेस आ जाते हैं किसी फैक्टर्स की वजह से, तो दोस्त वो भी कौन से फैक्टर के अंदर आ जाता है, इंटरनल फैक्टर के। तो देखा दोस्त आपने, ये सब क्या है, हमारी बॉडी के अंदर होने वाले फैक्टर्स हैं, है ना, जिनकी वजह से क्या होता है, हमारे अंदर डिजीज की प्रेवलेंस होती है। इसके अलावा दोस्त जो दूसरे टाइप के फैक्टर हैं वो क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स। इसमें बेसिकली जो हमारी बॉडी के बाहर होने वाले फैक्टर्स हैं, हमारी बॉडी से जो बाहर अपने आप आकार कर रहे हैं, वो फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। जैसे दोस्त इसमें क्या है, डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे मेन जो इसमें इंपॉर्टेंट है दोस्त वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये किसमें आते हैं दोस्त, एक्सटर्नल फैक्टर्स में, है ना। इसके अलावा अनबैलेंस डाइट, अगर हम प्रॉपर कंप्लीट न्यूट्रिशियस डाइट नहीं कंज्यूम कर रहे हैं तो वो भी दोस्त किसके अंदर आता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर, जिससे कि डिजीज हो सकती है ना। इसके अलावा अदर इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट, जैसे अगर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है तो उसकी वजह से भी हमारे अंदर डिजीज हो जाती है। इन्हें हम नेक्स्ट स्लाइड्स में अपनी देखेंगे, है ना। इसके अलावा दोस्त और क्या है, जैसे ड्रग्स हैं या फिर अदर नार्कोटिक्स हैं, कई तरीके की ड्रग्स जो हैं अगर उन्हें भी कंज्यूम किया जाए तो दोस्त वो भी हमारे अंदर जो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, डिजीज के लिए। तो ये सब दोस्त ये क्या है, हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से दोस्त हमारे अंदर क्या है, डिजीज होती हैं। तो मुझे लगता है दोस्त आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना, डिजीज क्या है और डिजीज के कॉज या फिर सोर्स क्या है। इसमें हमने दोनों डिस्कस किए हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल।